और इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन जिले से आ रही है। खरगोन जिले की बहुप्रतीक्षित खरगोन विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। बालकृष्ण पाटीदार विधानसभा क्रमांक 185 के लिए प्रत्याशी तय किए गए हैं। इस विषय की अधिक विस्तृत जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी के साथ, जो हमें इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। भाजपा की बहुप्रतीक्षित सीट खरगोन विधानसभा के लिए लगातार लोगों को प्रयास और लगातार इंतजार था कि किसको टिकट मिलेगा। कई नाम इसके लिए चल रहे थे। अभी जानकारी मिली है कि यहां से बालकृष्ण पाटीदार को जो है प्रत्याशी के रूप में तय किया गया है। अभी जो लिस्ट आई है उसमें तय हुआ है कि बालकृष्ण पाटीदार 185 नंबर सीट यानी खरगोन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बालकृष्ण पाटीदार के टिकट मिलने के बाद में फटाके वगैरह इकट्ठे किए और अब यहाँ एक आतिशबाजी का जश्न मनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र मंडलोई। जितेंद्र मंडलोई, क्या किस तरह से क्या जानकारी मिली आपको? अभी हमारे को जानकारी मिली, 95 लोगों की लिस्ट जारी हुई, उसमें जिसमें बालकृष्ण पाटीदार का नाम तय हुआ है। बालकृष्ण पाटीदार का नाम तय हुआ है। अभी जो आप लिस्ट मिली है, तो आप जैसे जश्न मना रहे हो, क्या जश्न है, कैसा जश्न है? जश्न नहीं, जीत का जश्न है। जीत का जश्न है, जीत का जश्न है। आप क्या कहेंगे भाजपा समर्थकों से? भाजपा समर्थकों से यही कहेंगे कि आप सभी अपना वोटों का योगदान देकर बालकृष्ण पाटीदार को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाए। एक जश्न केवल टिकट मिलने का जश्न नहीं, विजयी जश्न है। हमारे साथ और एक कार्यकर्ता जुड़े, क्या नाम आपका? राजेश पाटीदार। राजेश पाटीदार, क्या किस तरह की जानकारी मिली, क्या सूत्रों से क्या जानकारी मिली आपको? अभी संगठन की अधिकृत सूची जारी हुई है, उसमें सिर्फ बालकृष्ण पाटीदार का नाम फाइनल हुआ है और अभी डिक्लेयर हुआ है काम, और बस जश्न की तैयारी पूर्ण चल रही है हमारी। बालकृष्ण पाटीदार के नाम तय होने के बाद गांव-गांव कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जश्न के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। और ये सूत्रों से मिली जानकारी है कि बालकृष्ण पाटीदार विधानसभा खरगोन के प्रत्याशी होंगे। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।